डॉक्टर यदि यहाँ निकालता ना हड्डी तो मैं क्या करता हूँ, उल्टो तो पड़ जाता हूँ चारपाई पर, तकियो मुंह में दबा लेता हूँ दांतांग बीच में, अरबा ने तो 5 मिनट है थारे जो करना वो कर दे दबा दो। जो एक हाथ है लेफ्ट आलो कोणियो नीचे कटको, दूसरो राइट आलो हाथ है ये केवल एक बाजू बाजू है, इम एक अंगूठो और एक आंगली कोनी, इन अंदर मेरे गिट्टो कौन बार लो जी को टकनो बोला आप 95% उम्मीद है जी की बचनेगी कोनी, मैं मरू कौन, मैं मन 100% विश्वास है। मैं हनुमानगढ़ जिला का अंदर आई ही और राउत सर का अंदर आई ही तब ये सर मन मिला। आज से देख रहे होगा कि कंडीशन के है, जो एक हाथ है लेफ्ट आलो वो तो कोणी है कोणियो नीचे कटको, दूसरो राइट आलो हाथ है ये केवल एक बाजू बाजू है, देखो बाजू लटक रही है, यो जो कंधा बिल्कुल कटको। सरा का जो जूता पहन रखे हैं जूता में थन पड़ी आ फर्स्ट क्लास लाग रहा होगा, जूता में भी आगो फाबो है वो कटेड़ो है। तो सरों आप बातचीत करांगा जानांगा कि के कुछ आके साथ में बा घटना घटी ही। नमस्ते सर। सारा दर्शकों मेरी तरफ को राम राम और थाने भी राम राम। मेरो नाम विनोद काकड़ है, मैं रावसर को निवासी हूँ, रावसर में ही रहने ला रहा पुराना वासिंदा हाँ। मेरी जो पढ़ाई है बा करंट लागनों पहला तो मेरी ही 10वीं और अब मैं ग्रेजुएट हूँ। करंट लागनों पहली 10वीं फिर अब ग्रेजुएट, हाँ ग्रेजुएट है मतलब पहला के हो जो 10वीं करके छोड़ दियो फिर पढ़ाई में तो इंटरेस्ट को नहीं हो तो फिर के आप जो मतलब लास्ट में ऑप्शन हो ही घर का या तो पढ़ाई करो या काम करो, भाई काम लाग जाओ दोनों में एक चीज़ तो वही है। तो फिर मेरे इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्टेड हो मन बढ़िया लाग तो जी घर भी मैं मतलब कोई चीज़ आप कर बोकरा मोटर लादगी कोई चीज़ लादगी भी मैं आप कर बोकरा कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रखता। तो फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर आयो, अब तो कौन साल है पहला डेक बेकेस्टाल डेक चलती ब्लैक एंड व्हाइट टीवी या बीटेम बंगो काम सीखो वो काम करने लागे हो। फिर बिंग बाद करते करते बिंग बाद में आपकी सोप डाल ली राउसर में ही सोप कर ली सोप चाल गई बढ़िया। फिर कोई कारणवश इसे मतलब काम थोड़ा कम होने लागे तो मैं फिर नानेरे चले गए हरियाणा में, नानेरे गए तो नानेरे भी काम बढ़िया पर नानेरे में एक दिक्कत आई गई, एक गाँव और एक शहर छोड़ के जानो और एक गाँव में रहना मतलब एक 10 दिन आप महीनों बढ़िया लाग सके 2 महीना बढ़िया लाग सके पर फिर बा फैसिलिटी नहीं हो तो अपन जरूर याद आवे। तो फिर ये सोचो आप क्यों ना शहर में ही चला फिर तो हनुमानगढ़ में कोई विचार करो भाई करा आपा। तो बिंग दौरान मैं बी टाइम के वो साला सर पैदल जाया करता ग्रुप होए करता, हाँ पैदल जाया करता ग्रुप होए करता हमारा एक। तो मैं जाया माने कोई कॉल लगा 2-4 मित्र बना हमारा रास्ता मिला भी बोला मैं बिजली बोर्ड में काम करा या करके मैं बाहू संपर्क में रहा काफी दिन बात हुई तो फिर मारो भी मन करे आपा भी चला। और मेरे तो दिमाग में भी एक बार हनुमानगढ़ में आपा कोई आपा ने महीनों 2 महीना कोई सेटल मिल जाए जगह तो फिर आप मार्केट के अंदर कोई काम देखा तो मैं आ गयो बेगन आ गयो। तो मन एक्चुअली में क्या है 1 महीना और 24 दिन ही होया बिजली बोर्ड के अंदर और मेरे साथ वो हादसा हो गयो करंट लाग गयो अब करंट क्या लाग गयो यानी भाई थारी गलती ही कि बिजली बोर्ड की गलती ही ना बिजली बोर्ड की गलती और ना मेरी मतलब बाकी है वो किस्मत खराब ही है जिको अपने नाली बैंड है सारो नाली बैंड का मतलब मोटर है लगड़ी और नाली के ऊपर जी की अपना गगर नदी वाली नाली आ तो इन ऊपर इंग मैं बिजली बोर्ड इंग ऊपर थेड़ी बीम हो तो बिंग अंदर की है जी मशीना लगड़ी ऑटो क्लोजर ऑटोमेटिक बंद होनी आप ही चालू होती वे तो बा मशीना पर खड़ के लाइना बंद ही जी चेंज कराओ तो वो अर्थ हो जी को शॉर्ट हो और करंट वो लागे जब मैं जी आप सिंगल फेस हूँ 3 फेस करा तो वो कर लागे तो बिंग अंदर के करंट जी को मेरे अंदर कर चाल पड़े मैं एक फ्यूज को माध्यम बन गयो तो बिंग बाद में मैं नीचे जी मतलब नीचे गिर गयो तो कन्ने जी एक दीवार छोटी दीवार बीच में और बिंग दूसरी साइड में आई हॉस्पिटल है थेड़ी में आंख्यांग हॉस्पिटल है मतलब एक संस्था द्वारा संचालित है वो काफी टाइम अब भी चलन आ रहे बिंग एम्बुलेंस ले गए मैंने अपने सरकारी हॉस्पिटल में लेके गया हनुमानगढ़ टाउन बीच का फिर उपचार करो फिर गरगा गुरगा को वेट करो मन बुलाया तो बीच का एक चीज बड़ी अलग सी अनुभव हुई कि हुई गया मतलब जिसे गरगा हा कोनी बी टाइम के आपने अगर कोई आज तो फिर भी ट्रीटमेंट हुआ बी टाइम के हो अगर गरगा नहीं हुआ तो आपने कोई इलाज शुरू कौन करता डॉक्टर परमिशन बिना। तो बी टाइम में मेरे एक मित्र हो जिकर मैं धर्म भाई भी कह कर तो वो आयो बिन देखो वो आपकी मिसेज ने डिलीवरी खातर लेके गए हो तो बिन बुलाया मैं मेरे भाई जाए बुला लो बन बुलायो बिन ने डॉक्टर कागजा पर साइन सुइन करवा कर बे फॉर्म भरवायो जब बिना बात कही जब मेरा थोड़ी दूर डॉक्टर आ तो बोले 95% उम्मीद है जी की बचने की कोनी आ बात मन साफ सुने ही मतलब मैं सुन ली बिन ने यहाँ झटको से लाइयो वो बाहर जागे मुँह मां धोगे मेरे कन्ने आयो वापिस आ गए मन बोलो मेरे सर पर हाथ फेरे रही है मैं क्यों मरूँ कौन मतलब मेरे ठीक है हाथा में मेरे सिर पर जी आपका केस का मूर्चा के अंदर दर्द हो पैरों के जोड़ा में दर्द हो बाकी मेरा कोई शरीर में कठे मतलब कोई पीड़ा ही को नहीं है आम में तो मतलब ऐसा नहीं है ही
जी की बताऊँ चार जगह तो बाकी शरीर के अंदर कोई इसी को नहीं जी की महसूस कर सकता भाई आप रहा या ना रहा जिंदा मैं मरूँ कौन मैं मन 100% विश्वास है। फिर इतने गरगा पहुंच गया भाई पहुंच गया और कर गया तो डॉक्टर भी गया घर मतलब राव शर्मा कर टप्पण लग गया तो मन में सोन ना दे अब इंजेक्शन लग रहा ना सो नींद भी आया पर सोन ना दे तो मैं मन बता बोग रहे भैया आज जगह आ गया आज जगह आ गया आज जगह आ गई तो अबे भी तो दिन में फिर सारा रात को टाइम वो 6 बजे करंट लग गया 9 बजे मैं राव शर्मा कर निकला तो सारा थकेड़ा बन भी जयपुर दूर भी काफ़ी है तो अधरस्ते बाद में सारा नहीं नींद आ गई मतलब तो जयपुर जाए बाद में मैं ही बन उठाया मैं उठ जो जयपुर आ गया मैं एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में और दूसरे दिनों मेरे हाथ वो तो काट ही दियो पूरे मतलब ही तो ये काटियो क्यों तो वो तो मतलब ये क्या जी जल गयो नाड़ा खत्म हो गई तो आपने अठवा में बल गयो जी हाथों तो इन्हें काटना हो तो डेडी हो गयो पूरा तो वो काट दियो वो बाद में 4-5 दिन बाद में काटे हुए इनको कारण वो मेरे हाथ है ना मुट्ठी बंद हो गई खुले ही कौन पूरी बैक साइड खत्म ही डेड होगी तो डॉक्टर मैंने बोला आप ये अंगुलियां काट दें अंगूठो काट दें और अंगूठो बना दें थाली रख दें तो बीटे मेरे पॉजिट मैं मतलब कहते हैं को नहीं हो भाई अपने साथ इतो बड़ो हादसा हो गया अपन के जिंदगी होगी बिंगो रीजन हो बी दौरान 8 दिन पहला पापा एडमिट है बीकानेर बांगो एक हाथ काम कौन करो बांगो ऑपरेशन हो बहुत बड़ो बे एडमिट है अब भाई के कर तो एक दिन मेरे कहना एक दिन बीकानेर एक दिन जयपुर एक दिन एक भाई है बड़ो वो बाकी परिवार का मेरे कहना तो छोटा छोटा मेरा छोटा बाकी तो सारा ही भाई है जी का बे मामा का और बुआ का बे कन्ना बे है तो मैं देखे मैं कि आपने हारिया तो की बनाया को नहीं ठीक है चलने तो डॉक्टर साहब बड़े डॉक्टर मैं ही कन्वेंस करे भाई डॉक्टर बात करी हाथ मैं गया डॉक्टर साहब अगर कोई तरीको है कोशिश कर लो बच सके तो ठीक है नहीं है थाली तो कोई काम की तो है को नहीं थाली बचा थोड़ा ऊपर बचे तो एक सौ ही है तो डॉक्टर भाई 2 दिन देखो दूसरे दिन पट्टी करना है देखो जना मतलब ये नाड़ा ही अंदर अब तो दिखा को नहीं नाड़ा खत्म होगी आगे आगे बंद होने लगी जी आप अपनी देसी भाषा में कहा पलम चाल जाए ब पलम स्टार्ट होगी तो डॉक्टर मन बोले 5 बजे बोले खाना पीना बंद करो रात को 10 बजे ऑपरेशन कराऊंगा फिर वो हाथ काटो तो ये हाथ काटने के दौरान मन होश भी आ चुके हो बीच में मतलब एक तो मतलब होश आ गया जब बो के बे कोई मतलब बे सारी चीजें सुन तो बोक रही है पर बीबिंग बाद में इंग अंदर जिया मतलब वो हाथ काटा हुआ तो बीच में होश आया तो डॉक्टर साहब मन बोले मतलब बोलो 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 हलचल करीब पर हल लीजिए ना बोल लीजिए सुने सारी चीज पर इनको सिर्फ ही हाथ को दर्द महसूस हुआ दर्द भी महसूस हाँ दर्द बहुत ज्यादा दर्द महसूस होने लग गया फिर मतलब इतो सुन हो गया इन जगह टिको इंजेक्शन लगाया एक नशा को भी सुई तक को पता चल मन एक तो मतलब हल्को हो चुके मैं एकदम बाकी एक्टिविटी कौन सिर्फ जीभ एक बार निकली डॉक्टर के मतलब बाकी कोई हलचल को नहीं शरीर में फिर दोबारा कद के बो करे बाद में कोई ठाकुन पड़े के फिर पैक कर दिया फिर नॉर्मल तो मेरे सामने नहीं एक बेड पर एकदम के हो एक लड़को 18-19 साल को ही हो मेरे जीतो ही बिंगी दोनों आंख फूट गई करंट हो अब बिन ने देखे जब मन यहाँ लगे मैं ठीक हूँ मैं फिर मैं क्या जो परमात्मा करे हुए वो देखे जाए उसके या तो दो ही धारणा या तो आपने पिछले जन्म का कुछ करेड़ा बांगो फल मिले या आप कोई ईसो करा और जी कहूँ बच्चा तो मतलब जी ने टिका के कटा कटा आपको सेटल होकर घर आ गया घर रहने लगा मतलब लगभग 1.5 साल तक मैं चाल कौन पाया 1.5 साल बाद में मतलब डेढ़ साल मेरो मन एक दिन ईसो महसूस को नहीं होगा मैं मतलब मैं अब मांझी पर पड़े पड़े आप बोर ही आ गए क्योंकि मेरे कन्ने इतो फ्रेंड सर्कल रहे तो 20-20 जना गरगा ने कदी फिक्र को नहीं हो रात का बाहर बैठ जाता गली में मेरी मानसी मन चक्के बाहर काट लियो बाहर काटने के बाद में जी अंदर वापस डाल जाता कद जाता गरगा ने कोई जरूरत ही को नहीं मतलब ये कन्ने खेल बो करता ताश खेल बो करता बाता कर बो करता ये बहुत जना मतलब कन्ने रहता एक लो तो कभी रे ही को नहीं मैं बेलिया के तो मेलो लागे जी यार अवसर में 15 दिन को मेलो हुआ तो भी मेले के दौरान मन मतलब मैं चाल तो को नहीं तो भी मोटरसाइकिल से आगे लेता डेली लेता सुबह 10 बजे शाम ने 6-7 बजे घरे छोड़ गया था पूरे मेले में ले फिरता मन मतलब मेलो दिखाता डेली एक राउंड मेला को जरूर पॉजिटिव बहुत हाँ बिंगो रीजन वो हो गया मतलब मैं कभी ये महसूस को नहीं भाई मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया मैं क्या करूँगा इनमें एक अंगूठो और एक आंगली को नहीं वो तो मैं वो तो मेरे तैयार ही हो पर इन अंदर मेरे गिट्टो कौन बार लो जी को टखनो बोला आप बहुत जल गयो हो तो अब वो जल गया था डीजल डी पर ना तो मास भरे ना कोई बात डॉक्टर से कहने गया मैं हनुमानगढ़ तो बे डॉक्टर साहब प्लास्टर कर दियो बिंग कर दियो पर डॉक्टर आ बात कहती जिंदगी में चाल कौन पावे जद जरूर निराशा अब खोज गया भाई अब मान जी तो पूरी जिंदगी तो कौन बीते पर फिर या मन में हो कुछ ना कुछ करांगा फिर मारा एक लोकल डॉक्टर है बे कह रहे हो भी हड्डी ने बोला आप हड्डी ने निकाल दें क्या करके मन बोला क्या मैं निकाल दो बे हड्डी ने मतलब प्लास हूँ जी तोड़ तोड़ के भी मैं हड्डी में खून निकालो जित तक अब क्या हो तो
बहुत बे टाइम तो सर सुन की बहुत अजीब यहाँ लग रहे हंसी के। अब तो मन भी मतलब थोड़ी सी हल्की सी कोई चोट लाग जाए दर्द हो वो टाइम सहन शक्ति परमात्मा मतलब बनायो बी टाइम कहते अब जरूर टीका लगाया जरूर करता पर वो के बे जब बी टाइम हाई और ट्रीटमेंट चल रहे हो तो ये टीका नॉर्मल काम ही कौन करता मेरा नशा में। तो मैं क्या करता हूँ डॉक्टर यदि यहाँ निकालता ना हड्डी तो मैं क्या करता हूँ उल्टो तो पड़ जाता हूँ चार पाई पर तक्कियों मुंह में दबा लेते दांतों के बीच में अरबा ने कहते तो 5 मिनट है थारे जो करना वो कर दे दबा दो मतलब ये 5 मिनट के दौरान बे दबा दो आपको ट्रीटमेंट कर लेता। तो मेरे बे मैं बहुत ही बन है मतलब यहाँ मानो बे वाकई में बिरजलाल जी है वे मैं यहाँ लगा बहुत ही सीनियर है मेरे लिए जिका मतलब एक उम्मीद जी की मैं छोड़ दी जिके छुड़ा दी मैंने बे बा उम्मीद मेरी जिंदा कर दी बे वो जब हड्डी में खून आ गया सही हो गया तो मैं चौथे दिन मेरा घाव भर गया चौथे दिन ही मतलब मेरा मांस भर गया पर बिंगे दौरान बाद बिमोनी हड्डियां निकलती तिरभुजा करती की थोड़ी सी देखती बिन पकड़ के खेचता था वो सारा ही गाँव वापस खोल देती मतलब आ प्रक्रिया चाली मेरी लगभग 9 या 10 महीना ई रीजनों में चाल कौन पायो फिर वो सही हो गया फिर कोई दिक्कत को नहीं फिर मैं ठीक है आपने फिर धीरे धीरे मतलब चाल तो ने थान में चाल के दिखाऊँ के पोजिशन चाल तो मैं पहला इं चाली तो मेरा इतना ही पग चलता मतलब जब तो मतलब मैं छोटा टाबर चला हाँ जब मैं तो पकड़ के पकड़े रखता बिंग बाद में एक दिन गई मैं वॉशरूम वगैरह करने अपना क्यों देसी टाइप वगैरह जमींदार वर्ग हुआ खेती करता पापा सारे काम तो बिंग अंदर के हो गया मतलब जी अपना वॉशरूम वगैरह नोरो है सामने बाड़ो है पशुआ को भी मैं है घर सामने गली काम है सामने दोनों तो बाड़ा मुँह मैं निकल गए खड़े हो मैं एक लिए मैं हिम्मत करी मैं क्यों आप क्यों ना सामने कौन करता मैं कहेंगे एक्टिविटी रूम बंद हो गेट बंद कर दियो मैं क्या करता हूँ ये सामने मतलब पेरा हूँ कोई चीज़ है बस स्टूल है बिना सामने बेड है फट्टो है बींग ऊपर रख लियो बी पर हाथ रख के खड़े होने की कोशिश करते हो अकेलो मतलब सामने कहेंगे एक्टिविटी कौन करता हूँ मैं तो अगर गिरूँ तो भी ला रहे चार पाई है आपकी आगे बेड है नीचे तो गिरनू रहे मतलब कोई टेंशन को नहीं होती तो बैठो वॉशरूम करके मैं कि चलो भाई आवे इतने मैं देखूँ दीवार के सारे सारा मैं चाल लूँ तो मैं दीवार के सारे सारा धीरे धीरे मतलब चालते रही कर मैं दीवार ने छोड़ कर जितने तक मैंने पग मतलब आपका केस का एक हिसाब ही रखते हो 20 दिन पग की पोजीशन आ बनाई मैं अच्छा क्या बनाई मतलब पग मैं ऊपर एडी उठा ली बीओ पहला एडी कौन उठाता तो एडी उठाना मैं खड़े होने मैं दो पग यहाँ मिल तो मेरा मतलब ये पैर आ चाल बदल गई जिकी आ चाल ही ना आ चाल इतनी लंबी आ गई मेरा गैप आ गया मतलब अच्छा तो मैं बिन्ने पकड़े और गली क्रॉस कर ली किने कोई कहीं हाथ कौन लगाओ गली क्रॉस कर ली फिर मेरे बड़ो जज्बो से मैं चाल गया अब तो जिंदगी दूसरी जी गया फिर मैं कह गए भाई ने कह दियो मैं फिर मैं मतलब दस छोटा बच्चा का बोला पग ऊपर गया हाँ फिर के होगा फिर मतलब 20 दिन मैं लगभग आप मान सका भाई कम से कम 10 चक्कर गली में मारा मतलब एक हौसले खातर बहुत दिन शायद आप केस का नहीं दूसरों जन्म के हो गए 20 दिन एहसास हो भाई दोबारा जन्म आप बोला एक बार जन्म होने के बाद में दोबारा जन्म बहुत दोबारा जन्म हो 20 दिन निकले बाद में कौन रुक्यो बाद में मैं अब तो कुछ ना कुछ करांगा ही